हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया औद्योगिक विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर मैथ मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स में एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 बैक पेपर में भी पूछा गया है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, और 2021 के बैक पेपर में एकमात्र क्वेश्चन 30 नंबर में पूछा गया था। पहले स्क्रीन पे आप ये पेपर देखिए और इसमें ये देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम एक लेसन प्लान तैयार करते हैं मैथ को लेके। इसमें कहा गया कि स्वेच्छानुसार किसी भी प्रकरण पे, तो हम इसमें बनाने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार पे। आप चाहे तो अपनी स्वेच्छानुसार किसी और प्रकरण, किसी और टॉपिक पे बना सकते हैं, मगर हम यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार के बारे में एक लेसन प्लान बनाने वाले हैं, और ये लेसन प्लान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जरा देखिए, आपको फाइल में एग्जाम प्लान बनाना है और एग्जाम्स में फाइल लेसन प्लान बनाना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि हमें एग्जाम्स में और बेहतर तरीके और बेस्ट वे में बनाना है। तो चलिए लेसन प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का बॉक्स बनाना है। इसमें आपको 5 कॉलम्स देने हैं। एक में डेट, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और समय लिखना है। दिनांक जो डेट आपके एग्जाम्स के होंगे वो डेट लिख लीजिएगा, और क्लास जो पेपर में पूछा जाएगा, अगर 7वीं क्लास लिखता है तो 7वीं, वर्ग बी, और अगर 8वीं पूछता है 8वीं, ए बी, वो एग्जाम्स के क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। विषय यहाँ पे मैथ रहेगा, गणित रहेगा, और कलांश आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसका मतलब कि कौन सा चक्र है, कौन सा आपका पीरियड है क्लास में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और समय सारणी भी वहाँ पे दिया रहेगा एग्जाम में, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जो दिया जाता है वैसे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आपको विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम कौन सा लिखेंगे, तो वहाँ पे आप विद्यालय के नाम के आगे डॉट 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 भी लिख सकते हैं, अगर कोई विद्यालय का नाम आप लेना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और उसके बाद नीचे प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में आपका, हम इसमें पढ़ने जाने हैं त्रिभुज के प्रकार, तो हमने प्रकरण में लिखा है त्रिभुज के प्रकार। उसके बाद हमें चलना है सामान्य उद्देश्य पे। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने एक चीज यहाँ पे मिस किया है, वो क्या है कि छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम। देखिए, ये बात फाइल्स बनाने की नहीं है, ये है हमें एग्जाम्स पेपर में लिखने में। तो मोस्टली हमें ये बताया जाता है कि एग्जाम्स के टाइम हमें अपने नाम को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप बस यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं कि छात्र अध्यापक का नाम और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो लिख सकते हैं, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये अभी भी हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हम जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए जाति सूचक, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जाति, आपकी धर्म सूचित करती हो, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे 786 लिखना या फिर ओम लिखना, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए एग्जाम्स में मैंने यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे स्किप कर दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अपना नाम मत लिखिएगा, वहां डॉट 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 या एक्स वाई जेड एबीसी कुछ लिख दीजिएगा। तो फिर आपको उसके बाद सामान्य उद्देश्य का एक ऐसा कॉलम बनाना है। देखिए, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे बॉक्स बना के लिखिएगा। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि हमें मैथ जो विषय पढ़ाना है उसका क्या उद्देश्य है, उससे बच्चों का क्या फायदा होगा। तो वो सामान्य उद्देश्य में देखिए, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय विषय हेतु रुचि उत्पन्न करना, और छात्रों में गणित के अध्ययन में छात्रों में एकाग्रता उत्पन्न करना। तो ये जो सामान्य उद्देश्य है ना, अगर आप गणित का कोई भी प्रकरण बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य पे आपको 3 उद्देश्य बनाने हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों का ज्ञान क्या होगा, और बोधात्मक का मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे समझेंगे कैसे, उसमें उनके बोध का क्या विकास होगा। प्रयोगात्मक का मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे कैसे प्रयोग कर पाएंगे। तो ज्ञानात्मक में क्या है भाई, छात्र त्रिभुज की पहचान कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रकार जान सकेंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद छात्र त्रिभुज का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकेंगे, वो चीजें समझ जाएंगे। और प्रयोगात्मक मतलब छात्र त्रिभुजों का प्रयोग कर सकेंगे, छात्र त्रिभुजों के प्रश्न हल कर सकेंगे। तो प्रयोगात्मक का मतलब छात्र अपने साइड से क्या क्रिया करेंगे। ओके, इसके बाद शिक्षण विधि, इसमें कौन कौन से प्रयोग होने वाली है, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि है। आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। ओके दोस्तों, या इसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं, व्याख्यान विधि। अब बात कर लेते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपका क्या है, डस्टर है, सैंपल्ट है, चौक है, और त्रिभुज आकृति से बनी सामग्री, मतलब ऐसे आपके क्लास में इसमें कोई त्रिभुज से बना हुआ कोई सामग्री लेना है, और एक चार्ट पेपर लेना है जिसपे अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाए गए हों। पूर्व ज्ञान का मतलब छात्र
पूर्व ज्ञान मतलब छात्र रेखा बिंदु कोण की सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये छात्रों का पूर्व ज्ञान हो गया। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होती है। तो हमने प्रस्तावना प्रश्न में एक तीन कॉलम बनाया, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक कार्य में हमने बच्चों को पहले एक बिंदु बना दी और बच्चों से पूछा कि दी गई आकृति को क्या कहते हैं, बच्चों ने कहा बिंदु। फिर हमने कहा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, बच्चों ने कहा रेखा। सॉरी, दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, ठीक है, दो बिंदुओं से मिलाने से क्या बनता है, बच्चों ने कहा रेखा। अब तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, बच्चों ने कहा त्रिभुज। तो हमने बच्चों से पूछा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे मौन रहे, यानी कि ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ये आपका टॉपिक यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि उद्देश्य कथन हम यहाँ पे लिखेंगे और हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज एवं इसकी प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए प्रस्तुतिकरण, यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखा त्रिभुज एवं उसके प्रकार, आपने बच्चों से प्रश्न किया, ठीक है, कि त्रिभुज किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं, बच्चे मौन रहे, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने स्पष्टीकरण दिया, इसके बाद आपने स्पष्टीकरण दिया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, एक त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं तथा सभी कोणों का योग 180 होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पे विधि में, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे आपको लिखना है अब व्याख्यान विधि, यहाँ पे आपको व्याख्यान विधि लिख देना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपकी व्याख्यान विधि शुरू हो जा रही है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और आपने श्यामपट पे क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, आपने ये चित्र बना दिया, ठीक है। अब बोधात्मक प्रश्न, बच्चों से भी आपने एक सवाल पूछ लिया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बच्चों ने क्या क्रिया दिया, 180, ठीक है दोस्तों। अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार को का विभाजन हम दो आधार पे करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे, यही शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि मैंने वहां पे लिखा था। तो कौन कौन से आधार पे, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताना है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। जब अब मान लीजिए, ये तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे आपको ज्ञात होता है बाहु की मतलब होती है भुजाएं, आपको पता है बाहुबली, बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे बाहुबली, बाहुबली का मतलब क्या होता है कि बाहु बली, जिसकी भुजाएं बलवान हो, जिनकी भुजाओं में ताकत हो, उसको बाहुबली कहते हैं। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज, ऐसी भुजाएं जिन, ऐसे त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु मतलब समान भुजा वाली त्रिभुज। बच्चों को पढ़ाने के टाइम आप ऐसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में तो हमें बस सिंपल में लिखना है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, आपने श्यामपट कार्य में आपने एक ऐसा फिगर बना दिया जहां पे आपने श्यामपट कार्य में फिगर बना दिया जहां पे तीनों भुजाएं समान है, ओके दोस्तों। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब समान, विषमबाहु जिसकी भुजाएं असमान हो, विषमबाहु। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे जरा ये देखिए, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू, दरअसल ये सिंबल नहीं था कीपैड में, इसलिए मैंने हैश का सिंबल लगाया है, मगर आपको एग्जाम में ये लिखना है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए, ओके दोस्तों। ए बी बी सी के समान नहीं और बी सी सी ए के समान नहीं, तीनों आपस में समान नहीं है, असमान है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे स्पष्टीकरण विधि। और आपने श्यामपट में वे एक विषमबाहु त्रिभुज बना दिया, इसकी तीनों भुजाएं क्या है भाई, असमान है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिनकी दो भुजाएं समान हो, ऐसी त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान तथा तीसरी भुजा असमान हो, मतलब दो भुजाएं समान होंगी लेकिन तीसरी असमान होगी, विषम समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के रास्ते नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ओके दोस्तों। आपने बता दिया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी
बट नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ये दर्शा दिया, आपने फिगर बना दिया एक विषमबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होंगी और तीसरी भुजा असमान होगी। अब आपने कोणों के आधार पर वर्गीकरण करना है, भुज का वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। ठीक है, अब आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? यदि त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में एक फिगर बना दिया और दिखा दिया कि इसके तीनों कोण क्या है भाई, 90 डिग्री से कम है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अधिक कोण का मतलब यदि तीनों में से कोई एक कोण 90 से ऊपर हो तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आपने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया जिसका ये क्या है, 120 डिग्री है, मतलब 90 से अधिक है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों समकोण त्रिभुज, यदि त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो दोस्तों ये था, आपको इजिली आपको कक्षा 6, 7 और 8 तक आप इजिली लिख सकते हैं, 9th में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये देखिए इतना इनफ है, अगर आप चाहे एक्सप्लेन करने के लिए तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, मगर यकीन मानिए इतना बहुत है, क्योंकि 8 तक के बच्चों को आप इससे ज्यादा और क्या पढ़ाएंगे। तो यहां तक आपने, हमने त्रिभुज के त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज के प्रकारों का वर्गीकरण किया, कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज बताए और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज बताए। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म होता है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न, यहाँ पे एक ऐसे कॉलम बनाना है जिसमें बोधात्मक प्रश्न हमें चेक करना है कि बच्चों को क्या समझ में आया, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करना है कि क्या बच्चे इसका रिप्लाई कर पाते हैं, उसके बाद एक निरीक्षण कार्य होता है जो हम करेंगे, उसके बाद एक गृह कार्य दे देंगे बच्चों के लिए, होमवर्क दे देंगे। तो पहले बोधात्मक प्रश्न में बच्चों को दो प्रश्न हमने कर लिया कि त्रिभुज क्या, किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, तो बच्चों ने जवाब दे दिया। मूल्यांकन प्रश्न में हमने बच्चों से कहा कि त्रिभुज के आधार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों ने बता दिया। कुछ के अंतर, सही, त्रिभुज के अंतः कोण, यहाँ पे त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बच्चों ने बता दिया। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि छात्रों ने श्यामपट्ट कार्य अपने कॉपी में नोट किया है या नहीं। और गृह कार्य में भुजाओं तथा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों की रेखा आकृति बनाकर लाना है। हमने बच्चों को कह दिया कि आपको होमवर्क ये है कि आपको भुजाओं तथा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों की रेखा आकृति बनाकर लाना है, और नीचे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे लेसन प्लान बना दिया गया एज पर एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर आपको ये सवाल आता है कि अपनी स्वेच्छानुसार, यहाँ पे देखिए, अपनी स्वेच्छानुसार सातवीं कक्षा को पढ़ाने के लिए किसी भी एक प्रकरण पर एक पाठ योजना लिखिए, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ओके, सातवीं, आठवीं, नौवीं और छठवीं तक के लिए ये पाठ्यक्रम, ये पाठ योजना बहुत अच्छी है, इसे आप बना सकते हैं। देखिए, दिस इज नॉट अ बेस्ट थिंग। ओके, शिक्षा में कोई चीज़ बेस्ट नहीं होती, मुझे पता है कि आप इससे भी बेस्ट बना सकते हैं, आप इससे भी उत्तम बना सकते हैं। तो अगर आप उत्तम बना सकते हैं तो वो बनाइए। मैंने बस एक आपको रूपरेखा बताया कि कैसे बनाने हैं और कैसे एग्जाम्स में लिखने हैं। ओके दोस्तों, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतना कॉलम वॉलम अगर आप देख छोड़ना चाहें, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इतने लाइंस और कॉलम्स बना के, तो ये आप उसी स्थिति में करिएगा जब आपके पास समय हो, आपको लगता है कि आपके पास समय है ये सारी चीज़ें कॉलम्स बनाने की, तभी बनाइएगा। ज़्यादा सजाने और ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव के लिए आप ऐसा मत करिएगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें तो ऐसे अच्छे दिखने के लिए लगाई जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आना है, आपसे उम्मीद है इसको समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई आपके पास सुझाव है, कोई मशवरा है, कोई सलाह है जो आप मुझे देना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ इंप्रूव करूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चैनल से सब्सक्राइब करते हैं तो। मैं वीडियो के शुरू में कभी नहीं कहता, मेरा सीधा सा मकसद है कि मैं ज्ञान दूं, बच्चों को समझाऊं, बच्चों को समझ में आएगा तो वो स्वयं ही सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।